तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो गाइस, हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस, आज हम अपनी इंडियन SUV वर्सेस सुपर SUV से भाई ट्रेन को टोइंग कराने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किसमें भाई सबसे ज्यादा पावर है। और ये गाइस एक तरीके से भाई अपनी कार्स का भाई पावर टेस्ट होने वाला है। मतलब यहाँ पे हमें पता लगने वाला है कि कौन सी गाड़ी में कितनी ज्यादा पावर है। एंड गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रही भाई अपनी ट्रेन। तो अपनी सिंपली कार्स को भाई इस ट्रेन को टो करके लेके जाना है भाई अपने इस फिनिश लाइन के बाहर तक। अब देखना होगा कि यहाँ पे भाई अपनी कौन कौन सी जो कार है वो इस चैलेंज को यहाँ पे करने वाली है। एंड बाय द वे गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये अपनी इंडियन कार खड़ी है, इधर की तरफ में अपनी सुपर SUV खड़ी है। एंड बाकी की जो गाड़ी है अंडर कवर एजेंट बनी हुई है, बिकॉज यार गाइस सारी गाड़ियों को एक साथ लेके आऊंगा तो थोड़ा सा भाई गेम दिक्कत दे रहा है, तो इसीलिए तो एक एक करके फटाफट से हम गाड़ियों को टेस्ट करते हैं। हेलो गाइस, अगर आप लोगों को सेकंड हैंड यूज PC पार्ट्स खरीदना हो तो एक बहुत अच्छा वेबसाइट है एंड ट्रस्टेड वेबसाइट है जिसका नाम है Zokar.com। तो जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना है, Zokar.com। तो गाइस, यहाँ से आप लोग चाहो तो सेकंड हैंड यूज PC पार्ट खरीद सकते हो या फिर नए PC पार्ट्स खरीद सकते हो। और यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी डील में आप लोगों को यूज्ड PC पार्ट मिल जाते हैं, जो कि आज की डेट में मिल पाना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही होता है। तो गाइस, इस वेबसाइट पे आपको COD का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, पर डोंट वरी, वेबसाइट जो है 100% फुल ट्रस्टेड है, क्योंकि मैंने यहाँ से खुद से PC पार्ट बाय करे है। तो आप लोग जाके बिना टेंशन के यहाँ से PC पार्ट बाय कर सकते हो। अगर कुछ क्यूरी पूछना हो तो वेबसाइट में व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर है, वहां से नंबर लेकर आप चैट सपोर्ट के थ्रू बात कर सकते हो और अपनी जो क्यूरी है वो बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो गाइस, वेबसाइट का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जाके मेक श्योर एक बार चेकआउट जरूर से करो। क्या पता यार कोई अच्छी डील आपका यहाँ पे इंतजार कर रही हो। तो गाइस, जाओ फटाफट से एक बार चेक करो, और अगर कोई डील मिलती है तो भाई ले लेना, ठीक है, लूट लेना। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे जो अपनी सबसे पहली कार है वो है अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट। तो देखते हैं जो अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट है वो यार अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच पाती है नहीं, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पे पूरा पिकअप बना के मैं खींचने वाला हूँ। और मैं गया यहाँ पे क्या देख रहा हूँ भाई, अपनी जो रेंज रोवर है भाई अपनी ट्रेन को तो यहाँ पे खींच रही है, पर आप देख सकते हो यार गाड़ी को जो है काफी ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है। और टायर देखो भाई कितने स्किट मार रहे हैं रेंज रोवर स्पोर्ट के। एंड फाइनली गाइस, जो अपनी कार है वो यार अपना यहाँ पे ट्रेन को पूरा खींच के भाई अपना फिनिश पॉइंट पे यहाँ लेके आ चुकी है। तो यार गाइस, जो अपनी पहली सुपर SUV थी भाई वो तो यार यहाँ पे अपना एक पॉइंट लेके जा चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हो यार जो अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट है उसने अपना जो चैलेंज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर दिया है। तो गाइस, यहाँ पे अपनी इंडियन कार की तरफ से आइए भाई अपनी अल्ट्रा G4। तो देखते हैं यार जो अपनी अल्ट्रा G4 है वो अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच पाती है नहीं। और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हो भाई अपनी अल्ट्रा G4 है वो काफी इजिली अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच के लेके जा रही है, और यहाँ पे गाड़ी को मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस वो अलग बात है कि इंजन में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर लगानी पड़ रही है, पर स्टिल आप देख सकते हो तो गाड़ी के जो टायर है ना वो यहाँ पे बिल्कुल भी स्केट नहीं मार रहे हैं। और यहाँ पे जो अपनी ट्रेन है वो फाइनली यार अपना फिनिश पॉइंट पे आ गई है। तो गाइस, अपनी अल्ट्रा G4 भी जो है वो इस चैलेंज में पास हो गई है। तो गाइस, अपनी जो अगली कार है वो है अपनी BMW X6 M। तो देखते हैं ये वाली जो कार है वो अपनी यहाँ पे ट्रेन को खींच पाती नहीं, एंड बाकी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब, गाइस देख रहे हो भाई अपनी BMW भाई कितने आराम से इसको खींच के ले जा रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो तो गाड़ी के जो टायर भी है ना वो भी स्केट नहीं मार रहे हैं, और काफ़ी ईजिली जो अपनी ट्रेन है वो भाई अपनी कार से यहाँ पे खींच रही है। तो यार मानना पड़ेगा यार जो BMW की कार है इसमें भी बहुत ज़्यादा पावर है। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो जो अपनी ट्रेन है वो यार अपना फिनिश लाइन तक आ गई है। तो गाइस, यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो अपनी महिंद्रा XUV 500। तो देखते हैं जो अपनी XUV 500 है वो अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच पाती नहीं। और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ गाइस, जो अपनी कार है भाई बड़े ही आराम से इस ट्रेन को खींचते हुए जा रही है। तो मानना पड़ेगा अपनी XUV 500 में भी काफ़ी ज़्यादा पावर है, और आप लोग देख सकते हो गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस वो अलग बात है कि इंजन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर लगानी पड़ रही है, पर स्टिल आप लोग देख सकते हो गाड़ी के टायर व्हील में बिल्कुल भी स्केट नहीं मार रहे हैं, और जो अपनी ट्रेन है वो अपना यहाँ फिनिश लाइन के पार आ चुकी है। तो गाइस, अपनी XUV 500 भी जो है अपने इस चैलेंज को कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस, यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है अपनी मर्सिडीज G-Wagon। तो देखते हैं यार जो अपनी मर्सिडीज G-Wagon है वो भाई साहब अपनी ट्रेन को खींच पाती नहीं। और यहाँ पे गाइस मैं क्या देख रहा हूँ भाई, अपनी मर्सिडीज G-Wagon अपनी कार जो ट्रेन है उसको तो खींच पा रही है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी के जो टायर है वो कितने स्किड मार रहे हैं। एंड यहाँ पे हम बोल सकते हो गाड़ी को बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है। गाइस, आप लोग देखो भाई गाड़ी किधर भाई इधर उधर भागे पड़ी है, पूरे रोड पे टहले पड़ी है इधर से उधर, पर जैसे तैसे ही करके सही जो अपनी मर्सिडीज G-Wagon है भाई उसने भी अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच लिया है। तो मानना पड़ेगा यार मर्सिडीज G-Wagon में भी पावर तो बहुत ज़्यादा है, पर टायर की ग्रिप उतनी बढ़िया मेरे को नहीं लग रही है। आई थिंक से इसका वेट के मामले में तो भाई लग रहा है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा,
पर यहाँ पे पता नहीं क्या सीन था, क्योंकि यार जो इसके टायर है ना बहुत ज़्यादा स्केट कर रहे थे, मतलब इतना तो मैंने बिल्कुल भी इससे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसके टायर जो है वो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे स्केट करेंगे। पर चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात यह है कि अपनी जो गाड़ी है उसने अपना चैलेंज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से कम्प्लीट कर दिया है। तो ऑल राइट गाइस, अभी बार ये भाई अपनी मारुति सुजुकी एर्टिगा की, और मेरे को पता है ये कोई भाई एसयूवी कार नहीं है, ये एक एमयूवी कार है। पर मैंने सोचा कि यार इस कार को जब मैंने यहाँ पे खरीदा है तो क्यों ना इसका भी यहाँ पे टेस्ट कर लिया जाए, एंड देखते हैं यार इसकी जो पावर है वो कैसी रहने वाली है। एंड बाकी मैं बता दूंगा इस ये वाली जो कार है मैंने अभी रिसेंटली में बाय करी है, तो मेरे को नहीं पता इसका ओवरऑल जो है भाई पावर में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच पाएगी या नहीं। और गाइज यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ये फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बावजूद आप देख सकते हो भाई अपनी जो इर्टिगा है वो अपने ट्रेन को यहाँ पे खींच के लेके जा रही है। यार भाई साहब, गाइज इर्टिगा का अभी जो इंजन है काफ़ी पावरफुल है, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है, पर स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो जो अपनी कार है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई परफॉर्म कर रही है। एंड भाई साहब यहाँ पे फाइनली गाइस जो अपनी कार है उसने भाई अपने ट्रेन को भाई पूरा फिनिश लाइन तक खींच के आ चुकी है। एंड सच्ची बताओ तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई अपनी एर्टिगा इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तो गाइस यहाँ पे अभी बारी अपनी रॉल्स रॉयस की कैलिनन, और आई होप मैंने इस बार जो इसका नाम है भाई सही ले लिया हो, क्योंकि यार गाइस ये कार का नाम लेना मैं पिछले 10 बारी ट्राई कर चुका हूँ और मेरे को नहीं पता मैंने अभी भी सही लिया है नहीं। होप्स हुआ है कि मैंने सही ले लिया हो, तो नाम से गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखते हैं जो अपनी रॉयल सुरेश की कार है वो यहाँ पे भाई अपनी ट्रेन को खींच पाती है नहीं। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हो भाई रॉयल सुरेश की जो कार है ना वो यहाँ पे टायर स्किड करने लगे हैं ऑल राइट। और आप लोग देख सकते हो भाई ट्रेन से भी भाई धुआं निकल रहा है, एंड यहाँ पे देखना होगा कि अपनी कार है वो क्या फिनिश लाइन पे टच कर पाएगी। और यहाँ पे भाई सब बहुत ही आराम से गाइस जो आप देख सकते हो अपनी ट्रेन है वो अपना फिनिश लाइन पे आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी रॉयल्स रॉयस की एसयूवी है ये भी यार अपना चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस अभी बारी अपनी टाटा हैरियर की, तो देखते हैं यार जो अपनी टाटा हैरियर है वो यार अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच पाती है नहीं। तो गाइस लेट्स गो और देखते क्या होता है। और भाई साहब यहाँ पे अपनी टाटा हैरियर जो है भाई वो अपनी ट्रेन को गाइस खींच हुए जा रही है, पर अपनी जो गाड़ी है ना उसको पावर बहुत लगानी पड़ रही है। एंड आप देख सकते हो जो गाड़ी के टायर है ना वो कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे स्केट मार रहे हैं, पर मेरे को लग रहा है जो अपनी टाटा हैरियर है भाई वो अपना चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट कर जाएगी। यार गाइस आप देख सकते हो गाइस जो अपनी टाटा हैरियर है भाई उसने भी अपना चैलेंज जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, एंड जो अपनी ट्रेन है उसको भाई फिनिश लाइन के बाहर तक ये खींच के आ चुकी है। तो गाइस अभी बारी अपनी फोर्ड की मस्टैंग मैशी की, तो देखते हैं यार अपनी मैशी जो है वो इसको खींच पाती है नहीं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये ग्राफिक देख रहे हो, मैं इसी की बात कर रहा था इसीलिए मैं सारी गाड़ियों को एक साथ नहीं लेके आता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब, अपनी मैशी जो है वो यार अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच रही है गाइस। और आप लोग देखो यार गाड़ी के टायर वगैरह भी बिल्कुल स्केट नहीं मार रहे हैं, एंड स्टिल गाड़ी के इंजन को ना पावर तो बहुत लगानी पड़ रही है नो डाउट। पर आप यहाँ पे देख सकते हो जो कार है भाई ऐसा लग रहा है ये चल भी नहीं रही है यार भाई हवा में, मतलब जादू से चल रही है पता नहीं क्यों, क्योंकि एक तो यार इसके इंजन का साउंड नहीं आता है और ऊपर से गाड़ी के टायर ने भी स्किट नहीं करा। तो इसीलिए भाई जो टेस्ला मतलब टेस्ला की जो कारें होती है ना, मतलब टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार जो होती है भाई उनका कोई पता ही नहीं लगता है कि गाड़ी के इंजन को कितनी पावर लगानी है कितनी नहीं। फिलहाल तो आप देख सकते हो जो अपनी फोर्ड की मस्टैंग मैशी है वो अपना चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस अभी बारी अपनी महिंद्रा बुलेरो की, तो देखते हैं यार जो अपनी महिंद्रा बुलेरो है वो अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच पाती है नहीं। तो लेट्स गो। और यहाँ पे गाइस भाई अपनी महिंद्रा बुलेरो ने अपनी ट्रेन को खींचना स्टार्ट कर दिया है, एंड आप लोग देख सकते हो यार गाड़ी को कितनी ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है, और टायर देखो भाई लगातार जो है स्किट करते ही जा रहे हैं। पर बढ़िया बात यह है कि जो अपनी गाड़ी है ना वो अपनी ट्रेन को यहाँ पर खींच रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे फाइनली गाइस जो अपनी महिंद्रा बुलेरो है उसने भी यार जो अपना चैलेंज है ना वो कंप्लीट कर लिया है। आई मीन आप देख सकते हो जो अपनी गाड़ी है वो यार अपना फिनिश लाइन के पार यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइस अभी फटाफट से बढ़ते हैं अपनी अगली कार की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है अपनी पोर्शे, तो देखते हैं यार जो अपनी पोर्शे है वो अपनी ट्रेन को खींच पाती है नहीं। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, अपनी जो पोर्शे है वो यार अपनी ट्रेन को तो खींच रही है, पर आप लोग देखो यार गाड़ी के टायर जो है ना चारों टायर कितने ज़्यादा स्किट मार रहे हैं। और आई थिंक ये पूरी भाई कार जो है ना 4x4 में है, एंड उसके बावजूद आप देख सकते हो भाई इसको कितनी जो है स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ रहा है। और गाड़ी के टायर देखो यार, कहीं मेरे को डर लग रहा है बर्न आउट होकर भाई ब्लास्ट ही ना हो जाए। चलो ये अच्छा है कि गाड़ी जो है भाई इसके टायर फटने से पहले ही गाड़ी जो है भाई अपना फिनिश लाइन पार कर चुकी है। तो गाइस अपनी जो पोर्शे है वो भी यार अपना चैलेंज कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस अभी बारी अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, तो देखते हैं यार जो अपनी लेजेंडर है वो अपनी ट्रेन को खींच पाएगी नहीं। एंड बाकी क्या लग रहा है कि ये वाली कार भाई नहीं खींच पाएगी, तो आप लोग गाइस गलत सोच रहे हो। ओह यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई, अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है यार ये क्या सीन देख रहा हूँ मैं। ओके गाइस स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ पंगा हो गया था, मतलब गाड़ी के टायर बहुत ज़्यादा स्किड कर रहे थे, एंड अभी आप देख सकते हो अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर को जो है काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ।
पर स्टिल गाड़ी जो है ना पावर तो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा है, पर वो अलग बात है कि इसकी जो टायर है ना वो इसका यहाँ पे बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं, एंड इसीलिए आप देख सकते हो गाड़ी को ना काफ़ी पावर लगा के जो है इसको खींचना पड़ रहा है। पर जैसे तैसे करके सही अपनी जो फॉर्चुनर लेजेंडर है वो यार अपना फिनिश पॉइंट पर पहुँचने ही वाली है, बस थोड़ा सा ही। एंड बाकी इसके अगर टायर शायद और अच्छे होते ना तो शायद से मेरे को लग रहा है अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर काफ़ी ईजिली अपनी ट्रेन को खींच लेती, पर चलो कोई बात नहीं है, जैसे तैसे ही करके सही भाई अपनी लेजेंडर जो है उसने अपना चैलेंज तो यहाँ पे पूरा कर लिया। पर वो अलग बात है कि जितना मैंने इससे एक्सपेक्ट करा था उस हिसाब से इसने मतलब परफॉर्म नहीं करा है। मेरे को लगा था भाई अपनी गाड़ी बिना टायर स्किड करे काफ़ी आराम से इस ट्रेन को खींच के ले जाएगी, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हमें देखने को मिला है। तो चलो कोई बात नहीं है गाइस, अभी बढ़ते हैं फटाफट से अगली कार की तरफ। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो अपनी जैगुआर एफटी, तो देखते हैं जो अपनी जैगुआर है वो अपनी ट्रेन को खींच पाती है नहीं। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, जो अपनी जैगुआर है वो यार काफ़ी इजीली स्टेन को खींचते हुए लेके जा रही है। और स्टिल यार इसके टायर देखो भाई कितने ज़्यादा बढ़िया हैं, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे स्केट नहीं मार रहे हैं भाई। अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर के यार टायर ना बहुत ख़राब है, मेरे को लग रहा है उसको ना चेंज वेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने टायर वगैरह उसके चेंज नहीं कराए हैं और शायद मे भी इसीलिए उसके टायर बहुत ज़्यादा स्केट मार रहे थे। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो अपनी जैगुआर एफ पीस है वो भी यार अपना चैलेंज जो है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस अभी बारी अपनी फोर्ड एंडोवर की, तो देखते हैं यार अपनी फोर्ड एंडोवर जो है वो अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच पाएगी नहीं। वैसे मैं बताऊँ तो इस वाली गाड़ी पे मेरे को तो भाई पूरा पूरा भरोसा है, एंड देखते हैं। और जी हाँ गाइस, मैंने जैसे कि बोला था इस वाली गाड़ी पे मेरे को पूरा पूरा भरोसा है, और आप देख सकते हो अपनी जो फोर्ड एंडोवर है वो यार अपनी ट्रेन को तो काफ़ी आराम से खींचते हुए जा रही है, मतलब आराम से तो नहीं बोल सकते पर हाँ स्टिल जो है गाड़ी आप देख सकते हो 7 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है इसको खींच के लेके जा रही है। और बढ़िया बात सबसे पता है क्या है कि इसके जो टायर है ना बिल्कुल भी यहाँ पे स्केट नहीं मार रहे हैं, मतलब बिना स्केट करे जो अपनी कार है वो अपनी ट्रेन को बहुत दूर तक बड़े ही आराम से खींच के ले जा सकती है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे अभी बारी अपनी हमर एच टू की, तो देखते हैं ये भाई अपनी ट्रेन को खींच पाएगी नहीं। और बाकी यार ये जो गाड़ी है ना भाई इसको मैं जब भी देखता हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि गाड़ी का साइज़ देखो यार कितना ज़्यादा बड़ा है। एंड यहाँ पे वो भाई साहब अपनी हमर के जो टायर है वो स्केट मार रहे हैं, पर स्टिल आप देख सकते हो अपनी गाड़ी है वो अपने ट्रेन के इंजन को काफ़ी आराम से यहाँ पे खींचते हुए लेके जा रही है। और बाय द वे गाइस मैं सॉरी पहले ही बोल दूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से भाई ट्रेन बोल रहा हूँ और जबकि ये भाई ट्रेन का इंजन है, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं यार, इतना बहुत तो चलता है। एंड बाकी आप लोग गाइस देख सकते हो जो अपनी हमर एच टू है वो भी यार अपना जो चैलेंज है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरा कर चुके हैं। एंड क्या गाइस आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, और वो गाइस चीज़ ये है कि अभी तक हमने जितनी भी गाड़ियों का टेस्ट करा है ना सारी की सारी गाड़ियाँ जो है वो भाई मतलब जिस ट्रेन को खींच ही ली गई है सारी की सारी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यार अपनी SUV में सच्ची में यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब पावर होती है, एंड पावरफुल तो वो होती ही होती है। तो गाइस अभी बारी अपनी S11 की, तो देखते हैं अपनी S11 जो अपनी ट्रेन को यहाँ पे खींच पाती है नहीं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपनी S11 है भाई बड़े ही प्यार से अपनी ट्रेन को खींचते हुए जा रही है, और इसके टायर देखो भाई बिल्कुल भी यहाँ पर जरा से भी जो है स्लिप नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही आराम से जो अपनी S11 है वो अपनी ट्रेन के इंजन को खींचते हुए ले जा रही है। एंड वो अलग बात है कि गाड़ी के इंजन को पावर बहुत लगानी पड़ रही है, पर स्टिल आप देख सकते हो भाई इतने भारी भरकम ट्रेन को इंजन को खींचना भी गाइस कोई इम्पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार देखो भाई भाई ट्रेन का इंजन कितना भारी भरकम होता है और इतनी सारी भाई इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं गाड़ियों को आज काफ़ी सारा जो टन का वजन है वो यहाँ पर खींचना पड़ रहा है, पर स्टिल सारी की सारी गाड़ियों ने परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हमें दिखाया है, क्योंकि सब गाड़ियों ने भाई इस ट्रेन के इंजन को ऑलमोस्ट खींच ही लिया है। तो गाइस अभी बारी अपनी टाटा सफारी स्टोम की, तो देखते हैं ये वाली जो कार है वो भाई अपने ट्रेन के इंजन को खींच पाती है नहीं। और गाइस यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ भाई अपनी टाटा सफारी स्टोम जो है ना वो यार अपने ट्रेन के इंजन को नहीं खींच पा रही है, नहीं खींच रही है, काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड में यहाँ पर खींच रही है गाइस। और आप लोग देखो भाई गाड़ी के जो टायर हैं कितने ज़्यादा स्किट मार रहे हैं, एंड शायद से मेरे को लग रहा है गाड़ी जो है ना तो काफ़ी ज़्यादा हवा में तो काम करते हैं, थोड़ी सी लंबी जो रस्सी है वो बांध के देखते हैं। तो चलो यार गाइस इस बार जो रस्सी की लेंथ है मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, एंड इस बार टेस्ट करके देखते हैं कि इसके टायर स्किट मारते हैं नहीं। और गाइस अभी भी जो अपनी टाटा सफारी स्टोम है उसके टायर यहाँ पर स्किट मार रहे हैं, पर स्टिल आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि इतने ज़्यादा टायर स्किड मार रहे हैं ना उसके बावजूद जो ट्रेन का इंजन है भाई काफ़ी दूर तक अपनी कार ने यहाँ पे खींच दिया है। और क्या अगर मैं एक बार झटके से खींचूंगा, हाँ भाई झटके से खींचूंगा ना तो शायद अपनी जो गाड़ी है वो यार जो अपना ट्रेन का इंजन है उसको भाई फिनिश लाइन तक पहुँचा ही देगी जैसे तैसे रोप पिटा के। एंड मैं यहाँ पे गाइस मतलब नहीं चाह रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी ये चैलेंज हारे, बिकॉज अपनी जितनी भी गाड़ी हमने टेस्ट करी है सारी की सारी कर गई है यार, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कोई सी भी गाड़ी हारे। पर फिर भी आप देख सकते हो जो अपनी टाटा सफारी स्टोम है इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एंड होप्स है कि यार ये अपना फिनिश पॉइंट मतलब जो अपनी फिनिश लाइन है उसको टच कर जाए,
और लग तो रहा है भाई कर लेगी यार अपनी टाटा सफारी स्टॉर्म जो है ना, हार नहीं माननी है गाइस यहाँ पे, वो अलग बात है कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ रही है, पर कोई बात नहीं है, चलो इसके लिए इतना तो बनता है। और यहाँ पे फाइनली गाइस आप देख सकते हो जो अपनी टाटा सफारी स्टॉर्म है उसने भी भाई अपना फिनिश पॉइंट जो है, मतलब जो फिनिश लाइन है उसको पार कर दिया है, और वो अलग बात है कि गाड़ी को ना बहुत ज़्यादा भैया मशक्क़त यहाँ पे करनी पड़ी, पर चलो कोई बात नहीं है, टाटा सफारी स्टॉर्म के लिए इतना तो चलता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपनी टाटा सफारी स्टॉर्म है वो भी यार जैसे तैसे ही करके सही अपना जो चैलेंज है उसको कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस अभी बारी अपनी ऑडी SQ7 की, तो देखते हैं ये वाली जो कार है भाई, मैं बोल ही रहा था कि ट्रेन को खींच पाएगी नहीं, पर उससे पहले ही आप देख सकते हो जो रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि अपनी कार जो है भाई अपनी ट्रेन को तो खींच तो रही है, पर बहुत ज़्यादा जो गाड़ी है ना इसके टायर स्किड मार रहे हैं और इधर उधर भाग रही है, मतलब कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो रहा है मेरे लिए, पर स्टिल चलो कोई बात नहीं, अपनी कार जो है भाई अपनी ट्रेन के इंजन को एटलीस्ट कम से कम खींच तो रही है, वरना मेरे को लगा था यार खींच भी नहीं पाएगी। नहीं भाई खींच क्यों नहीं पाएगी यार, भाई अपनी ऑडी है भाई, कोई मजाक थोड़ी ना है, इसमें देख रहे हो भाई छल्ले लगे हैं वो भी चार चार, और इन छल्लों की कीमत आप क्या जानोगे गाइस, नहीं यार जानते होगे, मेरे को पता है आप लोगों को सब कुछ पता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो अपनी ऑडी SQ7 है वो भी अपना चैलेंज कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस अभी बारी अपनी महिंद्रा XUV700 की, तो देखते हैं यार जो अपनी XUV700 है वो अपनी ट्रेन के इंजन को खींच पाती है नहीं, पर बेटा सेकंड गाइस भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, अपनी XUV700 ओके खींच रही है पर उतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं खींच रही है, और भाई ये तो पूरी 4x4 में है, उसके बावजूद देख सकते हो जो यार अपनी XUV700 है इसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एंड टायर देखो भाई इसके जो टायर है ना बहुत स्किट मार रहे हैं यहाँ पे, उम्मीद है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भाई फटेंगे नहीं, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इसको वहाँ तक पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो एक काम करते हैं थोड़ा, ओ इस बार तो मैंने झटके से खींचा तो काफ़ी सही स्पीड पर पहुँच गई अपनी कार, एंड अब मेरे को लग रहा है इसी स्पीड से काफ़ी आराम से जो है अपना फिनिश लाइन टच कर लेगी, एंड धीरे धीरे स्पीड मर गई गाइस दोबारा से कम हो गई, तो एक और झटके से मेरे को खींचना पड़ेगा और इस बार शायद पूरा फिनिश पॉइंट फिनिश लाइन जो है उसको टच कर लेगी। और यहाँ पे भाई साहब तो गाइस यहाँ पे अपनी XUV700 उसने भाई अपना फिनिश लाइन जो है उसको टच तो कर लिया है, पर आप देख सकते हो गाड़ी को यार जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो चलो यार गाइस जैसे तैसे ही करके सही भाई अपनी XUV700 भी अपने इस चैलेंज में पास हो गई है। तो गाइस अभी बारी अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस की, तो देखते हैं यार जो अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस है वो इस ट्रेन को खींच पाती है नहीं, और भाई साहब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ गाइस जो अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस है भाई देखो यार इसका इंजन इतना पावरफुल है ना कि भाई गाड़ी यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही है, पर गाड़ी के जो टायर है वो साथ नहीं दे रहे हैं, एंड इसीलिए जो गाड़ी ना वो ज़्यादा स्पीड यहाँ पे नहीं पकड़ पा रही है, पर स्टिल आप लोग देख सकते हो जो अपनी कार है भाई उसने ये चैलेंज बहुत ही आराम से और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लिया होगा। पर भाई एक चीज़ बताऊँ ना, मेरे को सबसे जो बुरी लगी वो यही थी कि गाड़ी इतनी पावरफुल है पर इंजन जो मतलब इंजन कह रहा हूँ जो अपना टायर है ना वो यहाँ पे गाड़ी का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं, वरना ये वाली कार काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इस इंजन को खींच सकती थी, पर चलो कोई बात नहीं है अभी बढ़ते हैं फटाफट से गाइस अपनी लास्ट कार की तरफ। तो गाइस अभी अपनी लास्ट कार बची है और ये है भाई अपनी ऑफ रोडिंग किंग महिंद्रा थार, एंड गाइस इससे पहले मैं इसको भाई टोइंग कराना शुरू करूँ, अगर जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई को इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, आप लोगों को बस एक सेकंड लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में, तो मेक श्योर यार प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चाहे लोग चैनल पे नए हो और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस अभी देखते हैं जो अपनी महिंद्रा थार है वो यार अपने ट्रेन के इंजन को खींच पाती नहीं, वैसे मेरे को तो लग ही रहा था यार ये वाली गाड़ी भाई कैसे ही हार मान सकती है, आप खुद देखो गाइस बाइक कितने आराम से खींचते हुए जा रही है, पर वो अलग बात है कि जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर की है, मतलब सारी गाड़ी को मोस्ट ऑफ द स्पीड है ना इतनी ही रही है, ठीक है आप लोगों ने शायद मतलब वीडियो में नोटिस भी कर लिया होगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी महिंद्रा थार के टायर भी स्किट नहीं करे, और इससे ज़्यादा भाई क्या चाहिए, मतलब महिंद्रा थार से और कितना ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, भाई देख रहे हो गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब बड़े ही आराम से मेरे को ऐसा लग रहा है ये इसी स्पीड से भाई काफ़ी दूर तक खींच के ले जाएगी, मतलब काफ़ी दूर तक है जहाँ मर्जी वहाँ तक ले जा सकते हो हम इस कार मतलब ट्रेन के इंजन को। एंड बाकी अपने इस चैलेंज में गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी जितनी भी सुपर SUV या फिर इंडियन SUV थी सारी की सारी भाई पास हुई है, सब ने भाई इस ट्रेन के इंजन को खींच लिया है, तो यहाँ पे गाइस मानना पड़ेगा कि अपनी SUV जितनी भी अपने पास में वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई SUV OP कर देना, एंड बाकी यार गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और होप करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोबारा बोल रहा हूँ, एंड चैनल नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने शायद मतलब वीडियो में नोटिस भी कर लिया होगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी महिंद्रा थार के टायर भी स्किट नहीं करे, और इससे ज्यादा भाई क्या चाहिए, मतलब महिंद्रा थार से और कितना ज्यादा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस।
भाई देख रहे हो गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब बड़े ही आराम से, मेरे को ऐसा लग रहा है ये इस स्पीड से भाई काफ़ी दूर तक खींच के ले जाएगी, मतलब काफ़ी दूर तक है, जहाँ मर्जी वहाँ तक ले जा सकते हो हम इस कार, मतलब ट्रेन के इंजन को। एंड बाकी अपने इस चैलेंज में गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी जितनी भी सुपर एसयूवी या फिर इंडियन एसयूवी थी सारी की सारी भाई पास हुई है, सब ने भाई इस ट्रेन के इंजन को खींच लिया है। तो यहाँ पे गाइस मानना पड़ेगा कि अपनी एसयूवी जितनी भी अपने पास में है वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई एसयूवी ओपी कर देना। एंड बाकी यार गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और होप करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोबारा बोल रहा हूँ एंड चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।